स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नौकरियों की तो कमी नहीं है, कमी है तो सही व्यक्ति की जिसको जॉब मिल सके। क्या आप उस योग्य हैं, क्या आपको नौकरी मिल सकती है? डेटा ये सजेस्ट करता है कि नौकरियों की कमी नहीं है, इसलिए ये नैरेटिव थोड़ा सा फॉल्स लगता है कि जो बात चलती है। मैं एक छोटी सी सर कहानी सुनाता हूँ, सुनमे जी, उसके बाद फिर आप उसको आप वहाँ से आगे आप ले जाइएगा। तिरुपुर की कहानी है, केरल तमिलनाडु के, जहाँ पे वो बेल्ट है जहाँ पे कपड़े बनते हैं। तो एक वेबसाइट है और एक यूट्यूब चैनल है लल्लन टॉप, मैं नाम लेने में कोई संकोच नहीं। उनके भाई द्विवेदी जी, सौरभ जी घूमने गए वहाँ पे, उन्होंने एक फैक्ट्री के मालिक का इंटरव्यू किया। तो उसकी ये जीन्स बनाने वाले कपड़े की, ये सब तमाम तरह के कपड़े की छोटी सी यूनिट थी। तो उन्होंने बताया कि सबसे तेज सीखने वाला स्किल्ड आदमी मुझे बिहार झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। और उनकी फैक्ट्री में ज़्यादातर वही लोग काम कर रहे थे, उनके इंटरव्यूज़ लिए उन्होंने। उन्होंने ये भी बताया कि हमने एक आदमी हायर किया है, मतलब मेरा आदमी, जो सिर्फ इसी काम को करता है। वो बिहार झारखंड उड़ीसा में घूमता रहता है कि वहाँ से आदमी हायर करके इधर लेके आना है, क्योंकि अब वहाँ भी ये दिक्कत हो रही है कि मिल नहीं रहे, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, लोग चाहिए। और बहुत फास्ट लर्नर होते हैं उस बेल्ट के लोग, और अगर कोई लड़की इधर जा रही काम करने, उसकी फैमिली उसको नहीं जाने दे, तो फैमिली को भी ले आओ, वो भी उधर रहेंगे। और वो बहुत जल्दी से तमिल सीख लेते हैं, बहुत जल्दी से वर्किंग नॉलेज इंग्लिश का सीख लेते हैं, और बहुत फास्ट लर्नर हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मिसमैच लगता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, या कोई काम नहीं करना चाहता कि ये समस्या जो है रीजनल बन गई है। सुमे जी, बिल्कुल नीरज जी, आपने एकदम सही कहा। और इसीलिए मार्केट, जब भी एम्प्लॉयमेंट का ये झमेला जब आ रहा है, जिसके हमने अभी इतने तबियत से डिस्कशन किया है रंजन जी, उन्हीं कृष्ण जी सारे मिलकर गोयल साहब ने, कि जब शॉर्टेज आ रहा है तो कंपनीज अपने आप ही नए नए अनोखे स्टेप्स ले रहे हैं उस शॉर्टेज को हैंडल करने के लिए। आप अगर ये डेटा देखेंगे RBI वाला, आप जैसे बोल रहे थे टेक्सटाइल्स वाला, मैंने इमीडिएटली लेबर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा देख रहा था 1998 से लेकर 2022-23 तक, और टोटल एम्प्लॉयमेंट का, और मैं देख रहा था कि इसमें वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग स्टेट्स है, यानी कि यहाँ पे लेबर क्वालिटी, मतलब लेबर की जरूरत, वैल्यू एडिशन फ्रॉम द लेबर काफी हाई होता है। और इसीलिए यहाँ पे सरप्राइज नहीं कि यहाँ पे इतना ज्यादा डिमांड। इनफैक्ट अगर आप इस पूरे 27 सेक्टर्स को अगर आप देखेंगे, 27 सेक्टर में जिन जिन सेक्टर्स में लेबर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा होता गया है, उन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश ही सबसे ज्यादा है। एक सिर्फ, और जहाँ पे धर्मार है लोगों का, वो है एग्रीकल्चर वगैरह, जहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम सिर्फ पैसे ही डालते जा रहे हैं। लेकिन इसमें नीरज जी, मेरा कहना है कि मैं मानता हूँ अच्छी तरह से कि मार्केट में सच में इस तरह के जब डिमांड आएंगे, तो कंपनीज अपने आप से कोशिश करके फ्रॉम लेबर सरप्लस स्टेट से लोगों को लाएंगे, और वो फ्रिक्शनल जो कॉस्ट है उसको रिमूव करने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि फैमिलीज को ले आएंगे, वो सारी चीज करेंगे और वो बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक चीज कह रहा हूँ कि हम काफी कोशिश किए हैं, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि काफी हद तक, काफी दिनों तक एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग तब भी रहेंगे, और आवाज, दुख भरी आवाज वहीं से आएगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको हैरानी होगी सुन के कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां से अगर लोगों को निकालो, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मोनेटाइज किया जा सकता है। और उस मोनेटाइजेशन में मैं एक डेटा में देख रहा था, एंड वेरी, एंड मैं यही CNBC से आवाज काफी लोगों तक पहुंचता है, इसलिए मैं इसके सहारे में बोल रहा था। इस एग्रीकल्चर सेक्टर में मोनेटाइजेशन की जो कैपेसिटी है छोटे फार्मर्स की, उसमें पता ऑब्जेक्शन कहाँ से है? RBI की तरफ से। आप हैरान हो जाएंगे, वो क्यों? RBI कहता है कि एग्रीकल्चरल लोन्स, नॉन कोलैटरल वाले लोन में प्रिंसिपल 1 साल के अंदर चुकता करना पड़ेगा। और ये रूल हमारे पास कब से है? 1950-51 से। अब आप बताइए कौन सा ऐसा लोन है, हम लोग लेते हैं शहरों में लोन, जहां पे हमको बोला जाए कि 1 साल के अंदर आप वही सब लोन वापस कर दीजिए। करेक्ट। बट एग्रीकल्चर सेक्टर में ये वाला जो चीज रखा गया था, उस वक्त रखा गया था कि जब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा था, और उस वक्त की RBI का नियत अलग होता था, उन्होंने कहा कि नहीं भाई करेंगे, लेकिन भाई देख लो कि हम एक सीजन के लिए नहीं, 1 साल तक के अंदर, 1 साल के अंदर प्रिंसिपल वापस करो। अब मामला वहीं पे रह गया कि नॉन कोलैटराइज्ड लोन फार्मिंग में 1.6 लाख का ही मिलता है, वो अभी भी, आज भी वही डेटा बना हुआ है। और
वो एक साल के अंदर वापस करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर में मोनेटाइजेशन, जिसके थ्रू से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है बहुत सारे क्षेत्रों में, नॉन एमएसपी वाले जो क्रॉप्स हैं, उसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगा? इसमें अगर जस्ट थोड़ा सा आरबीआई ने अगर थोड़ा सा अगर इस लॉ इस रूल को अगर चेंज किए, तो मैं मानता हूँ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है पूरे देश में, जस्ट वन चेंज इन द रूल। और ये इतना बड़ा मतलब ये चीज कितने सालों से ये जस्ट रहेगी अपने जगह पे कि एग्रीकल्चर, इसलिए नॉन कोलेटराइज्ड अमाउंट ज्यादा बनता नहीं है। हम जब कहते हैं कि बाकी सारे चीजों में एग्रीकल्चर लोन तो बढ़ रहा है, कोलेटराइज्ड लोन है, नॉन कोलेटराइज्ड लोन बढ़ता नहीं है। और फार्मिंग में अनैचुरली हम कहते हैं डिस्ट्रेस है, तो अगर इसको अगर बदला जाए तो बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। और ये एम्प्लॉयमेंट में एक तरह से सेफ्टी नेट बन सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मोनेटाइजेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट का जरिया होगा, फार्मर्स दूसरे लोगों को लाएंगे अपने फार्म में काम करने के लिए छोटे छोटे भी, और तब जो माइग्रेशन का जो सोर्स है, जो माइग्रेशन का जो स्रोत है वो, जिसका आप जैसे कोयम्बटूर की बात जिक्र कर रहे थे, उस तरह का चीजों में बहुत ज्यादा इजिली मूवमेंट होना शुरू होगा। दूसरी चीज में हिरानंदनी जी से बात जो बात कर रहे थे वो उस पॉइंट में जस्ट एक पॉइंट कह दूं, बिल्कुल सही कह रहे थे कि एजुकेशन में, स्कूलों में, और मैंने बात किया था स्कूल में टॉप लेवल ऑफिशियल से, मतलब स्कूल्स ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है कि स्किलिंग का सब्जेक्ट्स अगर वो स्कूल में लाना चाहे तो हर स्टेट से प्रॉब्लम ये आती है कि नहीं जी आप उनको गणित सिखाइए, साइंस सिखाइए, ज्योग्राफी सिखाइए, सिविक सिखाइए, उसके बाद आपको अगर सिखाना है तो स्किलिंग सिखाइए। अब बच्चा कितना देर तक स्कूल में बैठेगा? तो क्लास 8-9 तक बच्चा नेचुरली स्किलिंग में वही जाता है जो सेकंड ग्रेड बच्चा होता है, यानी कि जिसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो अपने आप शुरुआत में ही स्किलिंग के ऊपर हम एक नेगेटिव छाप छोड़ देते हैं। तो ये शुरुआत का प्रॉब्लम वहीं से आता है कि हम स्किलिंग को मानते हैं इट इज सेकेंड ग्रेड, कि अच्छे बच्चे बनना है तो पढ़ाई करो, अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ो, स्किलिंग तब करना अगर तुम्हारे पास अगर कैपेसिटी नहीं है वगैरह, यानी कि शुरुआत में ही हमारे और खासकर हमारे देश में जात वगैरह का थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट रहता है, तो शुरुआत में ही समथिंग लाइक एन इंफीरियर ये हम मान के उनको चलाते हैं, तो वो फिर स्किलिंग के मामले में क्षेत्र में क्यों आएगा? और अप्रेंटिस वाली बात है वो हम बाद में कम कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे बैरियर, सोशल टैबूज बैरियर्स भी हैं जिनकी वजह से लोग स्किल सीखने से हिचकिचाते सीख करते, हालांकि वो वैसे ही लोगों के पास जाके सर्विस लेते हैं और इतना हैवी पे करते हैं ना कि बाद में आप बताते हैं यार उसने बहुत पैसे ले लिए, वो भी कर सकते थे लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको किसी बात की शायद शर्म है, और इस बात की शर्म नहीं कि वो बेरोजगार है। एनीवे गोयल सर, स्किल की बात हो गई, सारी चीज़ों की बात हो गई, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ कहाँ मिल सकती हैं आप बताइए ना। देखिए मुझे तो लगता है कि हर सेक्टर आज के डेट में अपने ग्रोइंग मोड में है, और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि जितने भी राज्य हैं, हमारे जितने भी राज्य हैं, उन सबको राज्य की तरह नहीं बल्कि कंपनी की तरह ऑपरेट करना चाहिए, कि वो अपने आप में कॉम्पिटिशन लेके आए कि कौन कितनी और कितनी कंपनियों को अट्रैक्ट कर सकता है विद द मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट देके, ईज ऑफ बिजनेस करके, लैंड अवार्ड करके, जो भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 5 से 10 साल, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। आप हमने बहुत बार बात करी बिहार की, उड़ीसा की, या झारखंड के जो भी स्टेट्स है, उड़ीसा में तो फिर भी थोड़ा माइनिंग का स्टफ है वहां पे अगर सिर्फ 5 से 10 साल अगर सरकारें मेहनत करें, जहां पे कि वो एक कन्वीनियंस जो दे सकते हैं, आप वैसे भी आपके यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो आप जो दे सकते हैं कंपनीज को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन दे दीजिए, आप जितना ईज ऑफ बिजनेस दे सकते हैं, टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं, मोबिलाइजेशन दे सकते हैं, अगर आपके यहाँ 100 फैक्ट्रीज लग जाती है इस 10 सालों में, तो 100 के बाद उसकी एंसिलरी फैक्ट्री लग जाएंगी 200, तो 500 लगने के बाद फिर 500 ऑटोमेटिक लग जाती है। एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे लगता है कि इसको कोई भी एक इंडिविजुअल सरकार या इंडिविजुअल सेंटर करके करे कि नहीं हमें बिहार को डेवलप करना है या झारखंड को करना है या किसी और स्टेट को करना है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। हर सरकार को एक कंपनी, जैसे आज के डेट में एक ही तरह की 10 कंपनियां हैं, वो कम्पीट करती हैं आपस में अपने एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए। अल्टीमेट बेनिफिशियर कस्टमर होता है, बट कस्टमर उसके पास टिका रहता है उसके बाद। तो अगर राज्य मेहनत करेंगे अपने यहाँ बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए, ईज ऑफ बिजनेस के लिए, तो वहां पे किसी तरह कंपनी जाएगी, और जब कंपनी जाती है वहां पे तो अल्टीमेट बेनिफिट कौन होगा? वहां के लोग होंगे, क्योंकि वो कंपनीज का सेटअप बनेगा, वहां के लोग स्किल्ड हो जाएंगे, वहां पे लोकल लोकल जॉब मिलेगी, वहां के लोग स्किल्ड होकर बाहर भी जा सकते हैं,
और डिमांड इतनी सारी है लोगों की आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग। मैं एक लाइव एग्जांपल स्केल्स का बताता हूँ। हमारा एक फाउंडेशन चलता है, वहाँ सीएसआर में हमने लगभग हजारों लोगों को जेल में ट्रेन किया पेंटिंग करने के लिए, वॉल पेंट के लिए। वो पेंट की कंपनी थी, उनका सीएसआर प्रोजेक्ट था इसमें। उसके बाद वो लोग जब बाहर आए तो एक भी इंडिविजुअल बेरोजगार नहीं है, हर किसी को जॉब मिल गई और कुछ लोग तो कॉन्ट्रैक्टर बन गए। तो अल्टीमेटली अगर आप देखते हैं वहां पे, तो ये एक सीएसआर के थ्रू किया हुआ इनिशिएटिव हजारों लोगों को एम्प्लॉयबल कर सकता है। वो ऑलरेडी एक मेन स्ट्रीम लाइन में आ जाएगा, वो गलत रास्ता छोड़ देगा क्योंकि उसकी कमाई हो रही है 700-800 रुपए, 1000 रुपए पर डे का वो कमा रहा है। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू, लेकिन एनीवे जो बात गोयल साहब कह रहे थे कि अगर करने है ना, तो जो करने वाले लोग होते हैं वो मौसम का इंतजार नहीं करते कि अभी धूप बहुत तेज है, अभी बारिश हो रही है, जब मौसम ठीक होगा तो हम घर से निकलेंगे। यही बात है ना गोयल साहब? अल्टीमेटली अगर जिसको करना है वो करेंगे। इसमें रीजन्स को और स्टेट स्पेसिफिक को हमको डिवाइड करके, हाँ एक चीज जरूर कर सकती है सरकार, मुझे जो मैंने बोला था पहले भी कि जो लोग हैं और जो कंपनीज हैं और जो स्किल गैप है हमारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट, ये सारा बना, बट अभी भी इसके पीछे जैसे वैक्सीनेशन का ड्राइव चलता था, पोलियो का ड्राइव चलता था, पॉपुलेशन कंट्रोल का ड्राइव चलता था, मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट को लेके और स्किल्स को लेके एक वैसा ही ड्राइव, रेगुलर एक्सरसाइज, डे ऑन डे कैंपेन, जहाँ पे कि लोग भी आ सके, कंपनीज भी आ सके, राइट लोगों को सिलेक्ट किया जा सके, ये मुझे लगता है ये रिगर की कमी है। अगर ये रिगर आ जाए, जैसे हम लोग वैक्सीनेशन का कैंपेन रन करते हैं, कोई भी चीज़ है, पोलियो का था, आज के डेट में कोविड का वैक्सीनेशन का कैंपेन था, मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट को लेके अगर एग्रेसिव कैंपेन रन किया जाए तो हम सिर्फ अपने देश की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकते, हम बाकी के विश्व के कंपनीज को भी लोग भेज सकते हैं अपने यहाँ रेडी करके और तैयार करके, और हमारे पास इतने लोग हैं, और दो ही चीजें करनी है, एक तो बढ़िया स्किल सेट हो, एजुकेशन लेवल से शुरू हो, जैसा सुमे सर कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, और दूसरा जो स्टेट्स हैं ना, उनके जो चीफ मिनिस्टर और इंडस्ट्री मिनिस्टर और उद्योग सचिव वगैरह हैं, इनको जाके इंडस्ट्री से मिलना चाहिए। अपने अपने ऑफिस में बैठ के पता नहीं क्या करते रहते हैं, क्यों नहीं जाते वो इंडस्ट्रीज से मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप हमारे लिए। अब देखिए बिजली पहुंचा दी सब जगह मोदी जी ने, सड़क सब जगह पहुंच गई है, पानी सब जगह पोर्टेबल वाटर पहुंच रहा है, तो फिर वहाँ यूनिट क्यों नहीं लग सकती है? गुंडागर्दी आपके हाथ में एक मिनट में ख़त्म हो सकती है। तो अगर ये सब कर लें तो बहुत आसान है, जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी ठीक हो जाएगा और इंडस्ट्री लगेगी, तो स्किल सेट के लोग चाहिए तो आप मजबूरी में उनको करेंगे। सर समय एकदम खत्म हो गया, गोयल साहब दोबारा करेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस चर्चा को सरकार के लोग, बजट बन रहा है इसलिए हम बार बार इस तरह के शोज कर रहे हैं, सुन रहे होंगे, तो थोड़ा इस बारे में ध्यान देंगे तो ये जो RBI का डेटा है ना, इसमें चार चांद लग जाएंगे, फिर और बढ़िया से आपको अगले सालों में दिखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि बजट में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हम लोगों को सुनने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल विचार पहुँचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।